नमस्कार, आप नगर पंचायत का चुनावी विश्लेषण देख रहे हैं। मैं दिव्यांश हूं और आप गोरखपुर दस्तक देख रहे हैं। इस वक्त मैं सोती चौराहा बढ़लगंज का है और वहां पे किस तरीके से जनता का मूड है उसे जांच करने आज हम एक दुकान पे आ गए हैं। ये दिखाइए, ये ननमून भाई की दुकान है। यहाँ पे लिखा है कि अब तो मुस्कुराई, यही है ननमून भाई की दुकान और यहाँ पे तमाम सी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन एक चीज़ बहुत ज़्यादा आजकल ट्रेंडिंग में है वो यहाँ पे मिलती है। अब आप कमेंट कीजिए कि क्या मिलती है। पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये ऐसी दुकान है जहाँ पे आप वो इधर ना पार्टी के हैं ना इधर पार्टी के हैं, क्योंकि वो झंडे वाले हैं। ये यहाँ पे बीजेपी का भी झंडा मिल जाएगा आपको, सपा का भी झंडा मिल जाएगा, बसपा का भी झंडा मिल जाएगा, तमाम पार्टियों के झंडे यहाँ पे मिल जाएंगे। इसलिए ये दुकान हमारे लिए खास है और यहाँ पे हम असली विश्लेषण पूछेंगे कि चुनाव में सबसे ज़्यादा किसके झंडे बिकाई दे रहे हैं। आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और वीडियो के अंत तक रहिएगा, क्योंकि ये बढ़लगंज है, सोती चौराह है और बढ़लगंज के इस चौराहे पे हमेशा से भीड़ रहती है। देखिए, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कितनी ऊपर से, एक बार दिखा दीजिए सर, पीछे तक दिखा दीजिए कि कितनी यहाँ पे भीड़ रहती है। लेकिन इस भीड़ के बीच जब ऐसे सवाल गूंजते हैं कि बढ़लगंज में नगर पंचायत चुनाव में कौन जीत रहा है, तमाम सी चीज़ें क्या हो रही हैं, लोगों का मन किधर है, तमाम सी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। ये देखिए, तमाम सी यहाँ पे आपको झंडे दिख रहे होंगे। हालांकि यहाँ पे पार्टियों के झंडे पहले थे लेकिन हटा दिए गए हैं, वजह आचार संहिता है। बात करेंगे और पूछेंगे उनसे कि सब किस पार्टी के झंडे सबसे ज़्यादा बिक रहे हैं। आप थोड़ा अंदर चलिए सर, बात किया जाए। ये क्या नाम है, एक एक लोगों का नाम बता दीजिए। पहले आप लोग देखते ही पहले ये कर रहे थे, विंध्याचल प्रसाद निगम। अच्छा, आपका क्या नाम है सर? अंबिका प्रसाद निगम। और शिवम गुप्ता। और ननमून निगम। और नीरज सोनकर। आपके ही नाम पे दुकान है? अच्छा, मैंने वो देखी तब पहले। मुझे ये बता दीजिए आप लोग, ये सोती चौराहा क्यों है, बढ़लगंज का ये सोती चौराहा है, इसका नाम के बारे में कुछ जानते हो आप लोग, क्यों ऐसा है और इतनी ज्यादा यहाँ पे भीड़ होती है, तमाम सी चीजें यहाँ पे रहती हैं, इसके बारे में पहले मुझे बता दीजिए। बढ़लगंज की चूँकि सबसे फेमस चौराहा है सोती चौराहा। अच्छा, सारे मार्केट के अगर दुकानें कहीं बंद हो जाएं सब चौराहे के, लेकिन आप सोती चौराहा पे 12 बजे रात को भी आएंगे तो कोई ना कोई व्यक्ति यहाँ जरूर, मतलब यहाँ पे बढ़लगंज का ये सोती चौराहा है, ये सोता नहीं है, सबसे फेमस चौराहा है। कहीं किसी कोने में चले जाइए, पूछेंगे सोती चौराहा कहाँ है, उनको नॉलेज है सोती चौराहा कहाँ पर है। अच्छा, एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा, देखिए दुकान पे चाची उची भी आई है, भाभी आई है, भैया लोग भी आए हैं, सबको कहीं ना कहीं झंडा लेना है। पहले यहाँ पे आया था तो 2 पार्टियों के झंडे यहाँ पे दिख रहे थे, सपा का भी, भाजपा का भी, नीचे देखा तो मैंने बसपा का भी, तमाम पार्टियों के झंडे थे। ये ऐसी दुकान है जहाँ पे हर पार्टी बराबर है, हर पार्टी कहीं ना कहीं आपके व्यापार से जुड़ी हुई है, लेकिन बहुत बड़ा सवाल आ जाता है कि सबसे ज़्यादा पार्टी के झंडे किसके बिक रहे हैं। बिकने के लिए तो सारे पार्टियों के झंडे बिक रहे हैं। अच्छा, अच्छा। सपा बसपा भाजपा, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा जो डिमांड है वो भाजपा का है। इतने ज्यादा झंडे यहाँ बिक रहे हैं कि झंडा शॉर्टेज हो जा रहा है। ये विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का या व्यक्तिगत निकाय चुनाव, सबों में सबसे ज्यादा भाजपा का ही बिका है अभी तक। बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। ये सब जनता एक यम बना ली है कि अब की भाजपा का ही हमें लाना है। अच्छा, भाजपा नगर पंचायत में भाजपा का ही अध्यक्ष बनना है। अच्छा, एक चीज़ और भी बता दीजिए मुझे, क्योंकि आपने कहा कि हर पार्टियों के झंडे आपकी दुकान पे बिकते रहते हैं, कौन कौन सी पार्टियों के झंडे अगर आप यहाँ पे उपलब्ध रहते हैं? ननमून भाई की दुकान है, ये सपा का है, ये भाजपा का है, बसपा का है, ये 3 पार्टी के झंडे हमारे पास अवेलेबल थे। अच्छा, अवेलेबल सब मिल रहे थे। अच्छा, अब एक चीज़ आती है, चुनाव पे बात हो रही थी, क्योंकि ये ऐसी दुकान इस वजह से लगी क्योंकि यहाँ पे हम बराबरी से सवाल पूछ सकते हैं, कोई यहाँ पे मतभेद नहीं होगा कि आप उस पार्टी के हैं, आप इस पार्टी के हैं, आप किसी भी पार्टी के नहीं, आप पार्टी से आज परे हैं। ठीक, तो आपके लिए सवाल भी बनता है बढ़लगंज के बारे में, क्योंकि आप तकरीबन सभी युवा हो। एक बताइए मुझे, बढ़लगंज का युवा क्या चाहता है 2023 में, बिना पार्टी के सोचे बताइएगा, क्योंकि आप किसी भी पार्टी से नहीं है, बस ये बताइए। सर, बस युवा परिवर्तन चाह रहा है। अच्छा, क्योंकि अभी तक जितने लोग आए, हाँ हाँ, विकास के मुद्दे पर बात किए हैं, किसी मुद्दे पर, हाँ हाँ, विकास नहीं हुआ। अच्छा, और चूंकि देखिए केंद्र में भी भाजपा है, स्टेट में भी भाजपा है, यहाँ के विधायक MLA वो भी भाजपा के हैं, तो सब लोग चाह रहे हैं। इतने साल क्यों लग गए यहाँ पे भाजपा के?
अगर ये सवाल तो बनता है कि हर जगह भाजपा है तो यहाँ पे भाजपा को इतने साल क्यों लगे नगर पंचायत में? यहाँ पे आंख नहीं खुला लोगों का। अच्छा। अब समझ में आ रहा है ना। अच्छा। जब से मोदी जी आए हैं, योगी जी आए हैं, तब से यही नहीं चारों तरफ का तख्ता पलट दिए हैं, तो के पक्ष में जाएगी। अच्छा अच्छा, लेकिन बीजेपी में इतने सारे लोग हैं, इसमें कैसे होगा? 28 प्रत्याशी हैं। 28 प्रत्याशी हैं किसके? भाजपा के। बीजेपी के 28 प्रत्याशी नामांकन कहीं ना कहीं पे हैं, तब तो आज कहीं ना कहीं लोगों की नींदें हराम होंगी। 28 में एक चुनना भी कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए मुश्किल हो रहा है। लेकिन सबका नजर है रवि अग्रवाल पर। अच्छा, रवि अग्रवाल कि वही उनको समर्थक जान रहे हैं ना, जिसका पलड़ा भारी होता है तो उसपे चार पड़ते हैं दबाने के लिए। कुछ होने वाला नहीं है, रवि अग्रवाल को जनता मांग रही है। सोच के बोल रहे हैं ऐसे ऐसे करके। रवि अग्रवाल को जनता मांग रही है, उनको टिकट मिलेगा तो चुनाव जीतेंगे। कमल खिलेगा। अच्छा अच्छा, बहुमत के साथ। पार्टियों की बात हम नहीं कर रहे हैं, हर चीज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने झंडा बात की कि झंडा किसका सबसे ज्यादा बिक रहा है। एक सवाल और भी मेरे मन में है, बढ़लगंज के बारे में, तमाम सी चीजें हैं, दुकान के बारे में, क्योंकि आप दुकान से हो, दुकान का सबसे ज्यादा आपका नाम ही उधर ननमून भाई, यहाँ पे पार्टियों के झंडे अब नहीं क्यों बिक रहे हैं? ये समय इसलिए नहीं बिक रहे हैं कि भाई आचार संहिता लागू है। अच्छा अच्छा, इसलिए हम लोग टांग नहीं रहे हैं। टांगते तो जरूर आदमी देखते हैं, पूछते हैं, लेकिन आने वाले आ रहे हैं, अंदर से हम लोग दे रहे हैं। अच्छा अच्छा, पुलिस ने कुछ बोला है? पुलिस वाले बोले हैं कि झंडा बेचना है तो अंदर से बेचिए, बाहर लगा के मत बेचिए, क्योंकि आचार संहिता की आचार संहिता लागू है। अच्छा अच्छा, आप लोग अंदर से बेचिए। अभी अंतिम सवाल ले लेते हैं, क्योंकि ये ऐसी दुकान है, हमेशा से यहाँ पे बिक्री होती है, झंडे की बिक्री होती है, हम झंडे के बारे में तमाम से सवाल पूछते रहते हैं। जिस तरीके से बढ़लगंज की जनता कह रही है तमाम से मुद्दे, मैं आपसे मुद्दा जानना चाहता हूँ, किसी भी पार्टी के बारे में पहली बात तो मत कीजिएगा, मुद्दे बढ़लगंज के क्या हैं, छोटे छोटे मुद्दे, लोगों के अपने मुद्दे क्या हैं, और जितने भी अगर कोई चुन के आता है उसको क्या सुधारना चाहिए, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। बढ़लगंज में भ्रष्टाचार बहुत है। अच्छा, भ्रष्टाचार मुक्त चाहिए बस। भ्रष्टाचार जी, जो भी है भ्रष्टाचार मुक्त रहे। अच्छा जी, और भी कुछ मुद्दे हैं जैसे जल जमाव का है, बिजली है, खम्मा तार, मतलब कुछ भी जुलूस निकलता है, मूर्ति विसर्जन हो, लाइट कट जाती है रात भर, लोग बहुत लोग के घर पे क्या है इन्वर्टर बैटरी नहीं है, अंधेरे में रहते हैं लोग, मोमबत्ती जला के रहते हैं, उन लोग की परेशानी है। यही जो भी बढ़लगंज के अध्यक्ष हो इस समस्या को सुधार करें। अच्छा, एक चीज और भी पूछ ले रहा हूँ जी सर, क्योंकि नगर पंचायत का चुनाव आ रहा है, ये विस्तारित है, विस्तारित माने बाहर के लिए भी लोग चुनाव लड़ रहे हैं जी, सिर्फ नगर पंचायत की, आप लोग खुद चाहते हो कि नगर का ही होगा, क्योंकि अपना और गैर वाला हो जाता है। एक चीज और भी जानना चाहूंगा, दूसरे लोग जब आ रहे हैं, यानी दूसरे ग्रामीण क्षेत्र के भी लोग कहीं ना कहीं चुनाव में रुचि दिखा रहे हैं जी, तो आपको क्या लगता है लोग खुद को चुनेंगे या शहर पे ही अभी भी भरोसा रहेगा? हम लोग को बस बीजेपी भरोसा है। अच्छा जी, कोई भी आए। अच्छा। ये नहीं कि हमारे खास कोई हो। हाँ। कोई भी आए बस बीजेपी है। हम लोग कमल को पहचानते हैं, कमल को पहचानते जी, हम लोग कमल वाले ही हैं। अच्छा, कमल वाले ही हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे कहीं ना कहीं तमाम सी चीजें आपको देखने को मिल रही थी। ये ननमून भाई की दुकान है, सोती चौराहे पे है, और यहाँ पे आपको तमाम पार्टी के झंडे बिकते दिख जाएंगे, हालांकि आचार संहिता लागू है।